बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपको पहले मिल सके। बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली 4.2। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें हम जो सवाल जो सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने का हमने आपको पहले ही बताया था तरीका कि तीन विधि होती है, गुणनखंड विधि, आपका पूर्णवर्ग विधि और सिद्धराचार। हमने अतिरिक्त बताया था ताकि उसका अभ्यास हो जाए। अब वही नियम अब अभ्यास में काम आएंगे। मगर मजे की बात यह है कि आप जो है सवाल को शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मैं जरूर सिखा दूंगा। मैंने एकदम बीड़ा उठा लिया है कि आपको जरूर सिखा दूंगा। अब बस सीखने के लिए तैयार रहिए, घर बैठे सीखिए। यही एक उपाय है पढ़ाने का, क्योंकि स्थिति इसमें विकट है और इसी आशा से मैं पढ़ा रहा हूं कि बच्चे ध्यान देंगे और आपका प्यार और आपका दुलार मुझे मिले तो मेरा जोश और बढ़ेगा और मैं और ऊर्जा से पढ़ाऊंगा। इसलिए अपना प्यार अपना प्रेम बच्चों हमारे साथ बनाए रखें और वीडियो को इत्मीनान से देखें, एकदम प्रेम भाव से देखें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवाल है प्रश्नावली 4.2, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि लागू करना है तो क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही छोटे विधि में बताता हूं आपको। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहां पर है हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद हम सवाल को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। चाहे सवाल कितना हो बदल ले कुछ भी कर ले, लेकिन एक ही विधि बताऊंगा, उस विधि से हर सवाल लगा सकते हैं। तो कौन सी विधि जाए देखते हैं। इसका नियम है बच्चों कि सबसे जो लास्ट में गिनती होती है अचर पद, उसी गिनती को हम क्या करते हैं रफली करके बाहर कर देते हैं। ये 10 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसके दो दो हिस्से कर डालिए, जितना आप कर सकते हैं। कि आपको मन में पहाड़ा तो आपको आता है, इसलिए आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 10 आवे। जैसे 10 एकम 10 होता भी है, और आगे बढ़े तो 2 5 10 और कुछ होता है तो आप भी बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो इसके आगे नहीं होता है, तो यही दो भाग हो सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देते हैं दूसरा कड़ी कि देखते हैं कि इसके आगे किस चीज का चिन्ह है। घटाव का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। इसलिए ये ऋण का चिन्ह है, ऋण माने घटाव का चिन्ह है। तो इसमें यही नियम होता है कि जो दो भाग बने हैं तो उनमें से एक गिनती में से दूसरी गिनती घटाने पर ये बीच वाली गिनती मिलनी चाहिए। तो देखो, तो अगर 10 में से एक घटाऊंगा तो 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ तो 9 नहीं है, ये नहीं सही है। इसको चेक करें, 5 में से आप 2 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। एकदम सही, यही मिलेगा, ये हमारा सही है बच्चों। बस अब एकदम मिल गया हमें, तो इत्मीनान से करेंगे। ध्यान रहे कि 5 में से ही 2 घटाना है, 3 को नहीं लिखना है, 3 की जगह पर इसे लिखना होता है। चलिए बढ़ते हैं। तो लिखते हैं या यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक बंद, ये यक्स हम बाहर कर देते हैं, -10 बराबर 0। हमने इसमें 3 को छोड़ दिया, 3 की जगह पर लिखिए 5 -2 लिखेंगे, 5 -2 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गौर करेंगे बच्चों, यक्स स्क्वायर माइनस, अब इस यक्स का गुणा हम 5 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 यक्स। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो जो 2 ऋण है प्लस हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा प्लस। अब इस यक्स का गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 यक्स -10 बराबर 0। अब देखा जाए तो एक पद दो पद इसका एक जोड़ा, एक पद दो पद इसका एक जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर यक्स दिख रहा है और यहां भी यक्स दिख रहा है, तो दोनों में हमारा यक्स क्या है कॉमन हो जाएगा। अगर हमारा यक्स कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा, एक ही एक्स इसमें बचेगा, माइनस यहाँ 5 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है। देखो तो 2 का पहाड़ा पड़ने पर 10 आ रहा है, 2 5 10, इसलिए जब 2 का पहाड़ा पड़ने पर 10 आ गया, 2 कॉमन कर दिया गया, कितना बचा एक्स माइनस, अब 2 का भागा दीजिए 5 10 में, 2 5 10, 5 बार जा रहा है तो हम 5 लिख लेंगे,
बराबर क्या हो गया, जीरो। बच्चों एक ही कोष्टक में दोनों आ गया सेम, यही यहां भी यहां भी, इन दोनों को हम कॉमन कर देते हैं तो जाएगा यक्स माइनस पांच, और दूसरे कोष्टक में देखो ये बाहर है और यहाँ इस कोष्टक के ये बाहर है, इसलिए इस यक्स को अंदर लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे और दो के भी उतार देंगे। लिखिए यक्स प्लस दो बराबर जीरो। इसके बाद हम यदि लेते हैं क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है, तो बढ़िए इसके बाद इसको यदि भी लेंगे साथ, फिर बाद में इसको लेंगे, इसको लेंगे तो एक मूल निकलेगा, इसको लेंगे तो दूसरा मूल मिलेगा। जैसे देखिए यदि x माइनस पांच बराबर जीरो तो ये आपका x बराबर कितना होगा, इस पांच को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका पांच हो गया, ये आपका एक मूल मिल गया। अब इसकी बारी आ गई, यदि x प्लस दो बराबर जीरो लिखेंगे, यदि x प्लस दो बराबर जीरो तो x बराबर दो को पक्षांतर कर दीजिए तो प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस, तो माइनस दो, अतः लिख देंगे यक्स बराबर पांच और माइनस दो। यही बच्चों लगाना था। अब पहला हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। नियम एक ही है सेम, हाँ यक्स स्क्वायर के सामने यहां गिनती नहीं थी तो कोई बात नहीं, जब यक्स स्क्वायर के सामने इसका गिनती आने लगे, मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक देने लगे, तब क्या करना चाहिए, तो इस पर देखते हैं। जब बच्चों यक्स स्क्वायर के सामने जब अंक देने लगे, अंक आने लगे, तो क्या करना चाहिए, इसी गिनती का इसमें लास्ट में गुणा कर देना चाहिए। तो हम दो का गुणा कर देंगे छ में, तो दो छ का बारह, यही नियम होता है बच्चों कि दो छ का बारह कर देंगे। अब बारह का जितना तोड़ना तोड़ दीजिए, ऐसा तोड़िए इसको कि आप इसके दो भाग कर पाओ। करो तो बच्चों क्या क्या कर सकते हो, बारह एकम बारह, यह भी होता है, और क्या होता है, दो छ का बारह होता है, सही बात है, और क्या होता है, तीन चौ के बारह होता है, और कुछ होता है तो आप देख लीजिए, इतना तो होता है इसका। अब इसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है, तो करते क्या यह है कि देखते हैं चिन्ह को, देखते हैं ये हमारा ऋण का चिन्ह है, ऋण का मतलब घटाव का चिन्ह है, तो इसमें से घटाने पर यहां पर चाहिए एक, चाहिए यहां एक माना जाता है बच्चों, यहां पर एक माना जाता है, तो ये एक चाहिए, तो कैसे आएगा देखिए, तो बारह में से घटाएंगे तो ग्यारह बचेगा, नहीं ठीक है, ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, छह में से दो घटाएंगे तो भी एक नहीं आएगा, तो यह भी ठीक नहीं है, तीन में चार में से तीन घटाएंगे तो एक आ जाएगा, एकदम बिल्कुल ये वाला सही है, तो चार में से में तीन घटाना है, सेम पुराना नियम। चलिए बढ़ते हैं, तो जाएगा आपका या दो एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद, एक नहीं लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे चार ऋण तीन, चार ऋण तीन, और जो एक्स है बाहर हो जाएगा हमारा, माइनस छह बराबर जीरो कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये उतार लेंगे, एक्स का गुणा चार में कर देंगे, फिर एक्स का गुणा तीन में कर देंगे, कोष्टक को हटा देंगे। चलिए तो दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा चार में करिए, चार एक्स माइनस तीन एक्स माइनस छह बराबर जीरो, एक पद दो पद इसका एक जोड़ा, एक पद दो पद इसका एक जोड़ा। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, तो पहली चीज तो देखिए दो का पढ़ा पढ़े तो चार आ रहा है, दो दूनी के चार, तो आपका पढ़ा पढ़ने पा रहा है, इसे दो को कॉमन कर देंगे, और क्या कर सकते हैं, यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, एक्स कामा ले लेंगे तो बचे क्या, दो भी निकल गया, दो एक्स में से एक्स निकल गया तो एक एक्स बचेगा, प्लस दो का पढ़ा पड़ी चार में, दो दूनी चार, दो बार जा रहा है क्योंकि ये एक्स हमारा बाहर निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तीन का पढ़ा पड़ेंगे छह में, देखिए तो तीन दूनी छह, तीन का पढ़ा पड़ने पर छह आ रहा है, इसलिए तीन हम कामन कर देंगे, अंदर क्या लिखेंगे, तीन जब निकाल लिए तो एक्स बचा। कोष्टक के बाहर यदि माइनस कामन हो तो अंदर के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, इसलिए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस अब इस तीन का भागा देंगे छह में, क्या बार जाएगा, तीन के तीन, तीन दूनी छह, दो बार जा रहा है, तो दो को अंदर डालेंगे बराबर क्या हो गया जीरो। अब देखिए क्वेश्चन में एक ही चीज आया है, तो दोनों का कॉमन कर दीजिए, या इसको लिखिए एक, चाहे इसको, किसी एक को लिखा जाएगा। देखिए एक्स प्लस दो ये बाहर है यह भी बाहर है, तो इसको अंदर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, दो यक्स माइनस तीन, दो यक्स माइनस तीन बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब यदि कहा रहेगा, जैसे इसमें यदि काम लिया था इसमें भी यही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, यदि इसको कोई काम नहीं यहां पर है, यदि यक्स प्लस दो बराबर जीरो तो अब दो को पक्षांतर कर देंगे तो कितना जाएगा, तो यक्स बराबर
दो को पक्षांतर कर दीजिए तो प्लस दो हो जाएगा तो माइनस दो। फिर लेते हैं यदि इसकी बारी आ गई, 2x-3=0, तो क्या होगा बच्चों? इसका नियम है कि पहले हम 3 को पक्षांतर करेंगे, जो ऋण 3 है हो जाएगा तो धन 3, पहला ही काम करेंगे। देखिए 2x-3 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो चूंकि 2 का गुणा x में है, केवल x बराबर करेंगे तो 2 का भागा हो जाएगा 3, 3 के बटे 2 चला जाएगा। तो बढ़िए, x बराबर 3/2, अतः ये लिखा जाएगा x बराबर -2/3/2, यही आपका आंसर है। तो बच्चों पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया, अब तीसरा आप आते हैं। तीसरी सवाल जो है देखते हैं क्या है यहां पर बच्चों, देखिए रूट दे दिया है, ये रूट तो √2x²+7x+5 √2 = 0, इसका मूल जो है हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब रूट की सवाल आती है तो इस टाइप की सवाल इंपॉर्टेंट भी होती हैं और लड़कों के लिए परेशानी वाली होती हैं, तो मैं एक ऐसा इसका टिक बताऊंगा जो आप आसानी से लगा सकते हैं, एकदम विधिवत। बढ़ते हैं बच्चों इसका नियम। मैंने पहले भी बताया था कि एक्स स्क्वायर के सामने अगर गिनती हो तो रफ करके जो है, रफ कार करके इसका इसमें गुणा कर देना चाहिए। तो मैं कड़ी 2 का गुणा कर दूंगा किसमें? इस लास्ट वाले में, 5 कड़ी में 2। तो बच्चों कितना आएगा? तो हमने कई बार बताया भी था कई वीडियो में और अभी भी बता रहा हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए कि कड़ी 2 का गुणा जब कड़ी 2 में करेंगे तो केवल 2 होगा, और उस 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10। बच्चों यही नियम होता है कि जब हम कड़ी 2 का गुणा कड़ी 2 में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 क्या हो जाता है? केवल 2 हो जाता है, ये ध्यान देते हैं। अगर एक कड़ी में 2 राशि हो गुणे अगर 5 कड़ी में 2 हो, तो नियम के आधार पर कड़ी 2 का गुणा कड़ी 2 में करने से केवल 2 होता है और ये आपका 5 बाहर है, इसलिए हो जाता है कितना? 10। ये नियम था आपका जो मैंने यहां किया है। आपने देखा कि कड़ी 2 का गुणा 5 कड़ी में 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब 10 का मैंने कहा था 2 भाग करते हैं, पहले बताया था, अभी भी सीखिए कि 10 × 1 = 10, 2 × 5 = 10, अब आगे नहीं होता, इतना ही काफी है। अब क्या, एक खास बात बताऊंगा बच्चों। अभी आपने देखा कि कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करने पर कितना होगा? हाँ, क्या होगा? 2 होगा। तो जब कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 बराबर 2 लिख सकते हो, तो या इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 2 बराबर क्या लिख सकते हो, इसको भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, एक ही तो बात है, या 2 बराबर कड़ी 2 गुणे 2, या तो कड़ी 2 गुणे 2 बराबर 2, एक ही बात है। इसी प्रकार से बताइए अगर 3 है तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अगर केवल 5 है तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। आप कहेंगे सर जी क्यों बता रहे हैं? बच्चों केवल सवाल पढ़ने से समस्या हल नहीं होती, हमें बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, ताकि आप समझोगे तभी तो दूसरों को समझाओगे, इसे समझना जरूरी है। अन लोगों की तरह मैं नहीं पढ़ाता, मुझे आपको सिखाना है, इसलिए आप सीखिए, पढ़ने वाली चीज नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने इसका गुणा किया, कितना आया मेरा? 10। कितना आया? 10। तो जब ये 10 हमारा आ गया तो इसका 2 भाग किया गया है। अब ये देखना है कि धन का चिन्ह है, धन माने जोड़ का, तो जो 2 भाग किए हैं वो जोड़ने पर 7 आई है। चलो ठीक है, 10 में जोड़ो 11, 7 तो नहीं आया, 5 × 2 = 7, एकदम बैठ गया, ये वाला हमारा सही है। तो अब क्या करना है हमें, ध्यान देना है वही नियम, लिए कड़ी में 3 कड़ी में 2x² + मैंने कहा कि हम 7 नहीं लिखेंगे, और समझदार अगर आप हैं तो ध्यान रखिए कि जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तो एक 2 और 5 आया हुआ है, तो एक बार 2 में x लगा दीजिए और 5 में x, और बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया बच्चों लगा दीजिए, लग सकते हैं इसको 2x + 5x, देख लीजिए 2x और 5x, 7x हो ही जा रहा है। अब कितना बचा आपके पास? 5 कड़ी में 2 = क्या हो गया? 0। रूट के सवालों में कामन लेने वाली समस्या सबके लिए दिक्कत करती है, तो इसका भी समस्या ही खत्म कर देते हैं। गौर करेंगे, ध्यान देंगे, एक पद दो पद इसका एक जोड़ा, एक पद इसका एक जोड़ा। अब बच्चों आप ही बता दो कि इसमें क्या कामन है, देख लो क्या कामन है।
उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कामन की अगर बात की जाए तो इसमें देखो कर्ण दो का तो आपको पढ़ा आता नहीं है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कामन है। पांच हमको दिख रहा है दोनों में, अगर हम इसमें से पांच कामन ले लें, कितना ले लें, पांच कामन ले लें, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास यक्ष बचेगा प्लस बचेगा, क्योंकि पांच निकल चुका है तो क्या बचेगा, कर्णी में दो बचेगा, बराबर हो गया जीरो। इसका एक मैंने कहा ना ट्रिक सीखिए कि यहां पर ये करना है इस तरह से ऐसे, और आप ये देखें कि इधर से सरल था, यहां पांच दिख रहा था, यहां पांच तो मैंने कॉमन कर दिया तो यक्ष बच गया प्लस हो गया कर्ण दो। सेम यही चीज इसमें डाल दीजिए, सेम ये ट्रिक है, इसका व्याख्या मैं कर दूंगा, ये सेम यही चीज इसमें लिख दीजिए, क्योंकि अभी तक गुणनखंड में आपने यही देखा कि जो चीज पहले क्वेश्चन में बचता है वही चीज दूसरे क्वेश्चन में बचता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आसान के लिए कि अगर परीक्षा में आ जाए दिमाग कम लगाना है इसमें, यक्ष प्लस कर्णी में दो। और इसके बाद आपने ये देखा कि क्या बचा आपके पास, जब आपको यक्ष स्क्वायर था जिसमें से आपने एक गो यक्ष अंदर डाला है, एक गो यक्ष बचा कि नहीं, और इसके बाद कर्णी में दो था तो आपका कर्णी में दो बचा कि नहीं, बच भी गया, चेक भी कर लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। पिनो कड़ी दो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो तो रहा करेगा, एक्स के एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, काम खत्म, प्लस। और इस कड़ी दो का गुणा कड़ी दो में करोगे तो कितना आएगा, कड़ी दो गुणा कड़ी दो में करेंगे कितना आएगा, दो आएगा, तो दो है कि नहीं है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एक ही चीज दो बार आ गया तो इसको बाहर कॉमन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या एक्स प्लस कड़ी में दो एक कोष्टक में, ये बाहर है बच्चों इसको अंदर डालिए, कड़ी में दो यक्स प्लस ये कितना बचा, पांच, बराबर कितना हो गया जीरो। फिर वही यदि काम करेगा, चलिए यदि लीजिए यक्स प्लस कड़ी में दो बराबर जीरो तो यक्स बराबर माइनस कड़ी में दो, पहला मूल निकल गया। फिर यदि इसको लीजिए यदि कड़ी में दो यक्स प्लस पांच बराबर जीरो तो कड़ी में दो यक्ष बराबर, ये पांच प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस पांच, इसलिए यक्ष बराबर माइनस पांच, चूंकि कड़ी दो का गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो बटे चला जाएगा, तो बटे हो जाएगा कड़ी में दो, अतः क्या आया यक्ष बराबर, पहला मूल कितना आया, अतः आपका पहला मूल कितना आया माइनस कड़ी में दो, और दूसरा मूल कितना आया माइनस पांच बटे कड़ी में दो। इस तरह से बच्चों ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे, हमने कहा था बच्चों कि कैसे लगाना है इसको, है गौर करते हैं इसमें सेम वही नियम है एकदम, लेकिन ये बटे में गिनती आ गई, अब ये होना चाहिए था यहां पर एक दस बीस कुछ होना चाहिए, ये बटे में गिनती आ गई, ये इसका समस्या कैसे करेंगे। जब सवाल लगाते समय बटे वगैरह में गिनती हो तो जो भी गिनती बटे में हो उसी गिनती का इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी गुणा कर देना चाहिए ताकि ये कट जाए, तो कट जाएगा तो आपका सवाल दम अपने रूप में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि दोनों पक्षों में आठ से गुणा करने पर, अगर ये बटे सात होता तब तो कहते कि दोनों पक्षों में सात से गुणा करने पर, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी गिनती बटे में रहेगी उसी गिनती का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर कहेंगे दोनों पक्षों में आठ से गुणा करने पर, ये कोई नियम नहीं है, ये आठ बटे में आकर हमें दिक्कत कर रहा था तो उसी आठ को हटाने के लिए हम सब में गुणा करेंगे, सब में एक दो तीन चार, चारों में गुणा कर देंगे, क्योंकि बच्चों अगर चार बच्चे हैं परिवार में तो एक ही बच्चे को थोड़ा जींस खरीदा जाएगा, जब खरीदेंगे अगर समानता दिखाना है तो सब में, क्योंकि वो सबका हक है, इसीलिए आठ से एक ही में गुणा नहीं करेंगे, सब में गुणा करना पड़ता है, बात समझ में आ गई। चलिए तो दोनों पक्षों में कैसे गुणा करेंगे, आठ से, चलिए इसमें भी आठ से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, आठ गुणे दो एक्स स्क्वायर, एकदम फोर दे रहा हूं एकदम बच्चों। इसके बाद माइनस आठ गुणे कितना करेंगे, यक्स हो गया, प्लस एक बटे आठ इसमें भी गुणा कर दीजिए आठ का, बराबर जीरो में भी आठ से, अब तो समझ गए ना, हमने सब में आठ से गुणा कर दिया, इसमें 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 सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हुआ, आठ दूनी के 16x² माइनस रहेगा हमारा 8x प्लस, नीचे आठ ऊपर आठ काट दीजिए कितना बचा, एक, बराबर
शून्य में आठ का गुणा करेंगे तो शून्य। अब क्या नियम है बच्चों, अब इस आगे बताया था कि एक्स स्क्वायर के सामने जब गिनती होती है तो इस गिनती का लास्ट वाले में गुणा कर देना चाहिए। तो 16 का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 आ गया। अब 16 का दो भाग आपको करना है बच्चों, कर लो दो भाग, ऐसा दो गिनती का टुकड़ा करो इसका, ऐसा गुणनखंड करो दो ठे कि गुणा करने पर 16 आ गए। चेक करते हैं तो देखिए 16 एकम 16 होता है, सही भी बात है, और क्या होता है, दो आठे 16 होता है और चार चौके 16 होता है। मगर अब हमने तो तोड़ दिया टुकड़ों में, यहां देखते हैं धन का चिन्ह है, धन मतलब जोड़ने पर 8 आना चाहिए, कौन ठीक है, ये ठीक है, ये तो 17 आ जाएगा जोड़ने पर, 8 2 10 हो जाएगा, 4 4 8 आ गया, तो गया आ गया बच्चों। और टिक सोचो और छोटा में लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लगाएंगे बच्चों, 4 4 8 आ गया, लेकिन ऋण आएगा कब, जब हम 4 को भी माइनस बनाएंगे इस 4 को भी माइनस बनाएंगे, तो ऋण 4 में ऋण 4 अगर जोड़ दिया जाए तो ऋण 8 आ जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे 16x² - 8 नहीं लिखेंगे, 8x भी नहीं लिखेंगे, लिख देंगे ऋण 4x और ऋण 4x, कितना आसान हो जाएगा, ऋण 4x ऋण 4x +1 = 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 4 8 हो जा रहा है। अब देखिए बच्चों यहां पर यह लिखना चाहिए अच्छा रहता है, चलिए अब कॉमन की बात करते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, पहला चीज की देखो यहाँ 4 है बच्चों, यहाँ भी 16 है, तो 4 चौके 16 यानी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, तो 4 का पहाड़ा 16 दीजिए, 4 चौके 16 हमारा 4 आ गया, एक एक से इसमें बाहर निकल गया तो अंदर कितना बचा, एक एक्स बचा माइनस। अब हम 4 भी निकाल चुके हैं एक्स भी निकाल चुके हैं, जब सब कुछ निकल गया तो इसकी जगह बच्चों एक बचता है, क्यों, क्योंकि 4x के पास हमेशा एक गुणा माना जाता है। आगे बढ़िए, माइनस 4 यहां है तो यहां नहीं, x यहां है तो यहां नहीं, जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन लिया जाता है, तो चलिए एक अगर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, = 0 हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों बता दो जरा, क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास कि आपका हो गया 4x, कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल दिया जाता है, इसलिए जो प्लस है वो क्या जाएगा, माइनस, और इसे एक कॉम लिख लेंगे, अगर यहां माइनस होता तब क्या लिखते, तब प्लस लिखते, अगर प्लस है तो माइनस। अब देखेंगे कई क्वेश्चन में दोनों आ गया, इसको लिखो या लिखिए भी दबत, लिखेंगे 4x - 1, ये बाहर है और एक कोष्टक के एक अंदर है, तो इन दोनों को, इसको और एक को अंदर के लिखेंगे, तो लिखिए 4x - 1 = 0 हो गया। अब यदि लिया जाएगा, जब यदि लेते हैं तो वही मूल आ जाते हैं, तो कैसे चलते हैं, यदि लिखिए 4, यदि 4x - 1 = 0 तो बोलो बच्चों 4x बराबर, हम एक को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसलिए x बराबर 1/4 हो जाएगा। देखिए हमारा पहला मूल आ गया, अब यदि लेंगे इस सवाल के लिए, यदि 4x - 1 = 0 तो 4x = 1, इसलिए x बराबर 1/4 आएगा, अतः लिख देंगे x बराबर पहला मूल 1/4, दूसरा मूल 1/4, अर्थात दोनों मूल आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है, इस तरह से लगाया हमने। तो बच्चों 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में सब 5 सवाल थे, जिनमें से मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा बता दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सवाल है, 5वां सवाल, ये बता लेता हूं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो इत्मीनान से बच्चों शुरू से अंत तक अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जरूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको जरूर आएगा, और बच्चों जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लग रहा है, ठीक है, बहुत उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, आपके कमेंट का मुझे जरूर इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल में, सवाल हमारे सामने है, मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी गिनती है उसी गिनती का लास्ट में गुणा करते हैं, तो अगर हम 100 का गुणा एक में कर देंगे, यही नियम है कि 100 का गुणा हम एक में करेंगे तो कितना आएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा।
अब 100 का जितना आपको बच्चों दो दो भाग करना है उतना भाग कर डालिए, तो कर दीजिए। तो 100 एकम 100, कोई कहता है 50 दूनी 100, कोई कहता है 20 पांचे 100, आप बोलेंगे 10 दहामे 100, और कुछ होगा तो और और बता दीजिए। और है, देख लीजिएगा अपना। अब हमारा मकसद है कि धन का चिन्ह है तो जोड़ने पर 20 चाहिए, तो 20 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये सही है, ये वाला हमारा सही है। लेकिन बच्चों ऋण 20 चाहिए, तो ऋण 20 कैसे आएगा? जब ऋण 10 में ऋण 10 करेंगे तभी ना 20 आएगा। तो हम इस 10 में भी x लगा लेंगे, इसमें भी x लगा देंगे, और इसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए या लिखिए 100x² माइनस, ये नहीं लिखेंगे, लिखिए -10x - 10x +1 = 0। जोड़ा बना लेते हैं, एक दो पद एक दो पद, क्या कॉमन है देख लीजिए, 10 दहामे 100, 10 का भागा 100 में जा रहा है तो बच्चों 10 कॉमन हो जाएगा। यक्ष दोनों में चुकी है तो यक्ष भी ले लीजिए, तो अंदर बचेगा क्या बच्चों, 10 दहामे 100, तो 10 हो गया यक्ष माइनस। और बच्चों क्या करेंगे, 10 एकम 10 बाहर निकल चुका है, यक्ष भी बाहर, जब सब कुछ बाहर निकल गया तो एक बचता है, एक कॉमन ले लिया गया, अच्छा लिख दिया गया। और दोनों में क्या कॉमन, 10 है तो यहां नहीं, x है तो यहां नहीं, जब कुछ कॉमन ना हो तो इसके बाहर जो माइनस दिख रहा है बच्चों ये कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, जब ये कॉमन कितना बचेगा, जब ये कॉमन ले लिया गया तो ये 10 उतर जाएगा, ये x उतर जाएगा, तो 10x माइनस। माइनस क्यों बच्चों, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर चिन्ह बदल दिए जाते हैं, तो प्लस है इसलिए क्या दिया माइनस, और ये उतर जाएगा आपका, बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब देखिए ना, जो कोष्टक में यहां आया वही यहां आया, एक्स को लिखिए, इसको एक ही को लिखना होता है, लिखिए या 10x - 1, एक कोष्टक में ये बाहर है और ये बाहर है बच्चों, तो उतार लीजिए 10x - 1 = 0, यदि लेंगे और उत्तर आ जाएगा। चलिए यदि 10x - 1 = 0 तो 10x = 1 को पक्षांतर कर देंगे, इसलिए x बराबर 1/10 चला जाएगा। ये हमें पहला मूल मिल गया, ये हमारा पहला मूल मिल गया। अब इसकी बारी आ गई, यदि 10x - 1 = 0 तो 10x = 1, इसलिए यक्स बराबर 1/ कितना हो गया 10। अतः समीकरण विधिवत लिख सकते हैं आप, 100x² - 20x + 1 = 0 के मूल कितने हैं, पहला था 1/10 तथा यह आया 1/10 हैं। इस तरह आंसर लिख देंगे। तो बच्चों शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। धन्यवाद।